हमीरपुर जिले में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के ग्राफ को देखते हुए साइबर थाने का उद्घाटन किया। साइबर थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया गया है और इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने साइबर थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान आए हुए लोगों और पुलिस और स्थानीय नेताओं द्वारा बढ़ रहे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई और साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई। जिस तरह समाज में नेट का जाल फैल रहा है, अपराधी भी साइबर अपराध में तरह तरह के तरीकों से अपराध कर रहे हैं। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर थाने बनाए गए हैं। उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी राहुल पांडे, पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा सहित सैकड़ों स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उसका क्या उद्देश्य था और क्या फायदा होगा हम लोगों को? साइबर क्राइम थाना का उद्घाटन हमारे ललितपुर जिले के हमीरपुर पुलिस लाइन में ये हुआ है, जिसमें माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके थाना क्राइम के लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें उन्होंने 3,300 करोड़ रुपया की इनकी सुविधाओं के लिए विकास का कार्य हो और जनता को परेशानी ना हो, सभी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बना करके आज उसका उद्घाटन हुआ है। और हमारे उसमें जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदया साथ में थे और साथ में हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाबूराम जी और सभी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके और हम लोग अपने कार्य में स्थान कर रहे हैं।